हेलो गाइस, न्यू डे न्यू व्लॉग न्यू लोकेशन। मैं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ गाजियाबादी। आज मैं आया हुआ हूँ रामपुर, और रामपुर में आज मैं आपको दिखलाने वाला हूँ रजा लाइब्रेरी, जहाँ पर रखा हुआ है 7th सेंचुरी का कुरान शरीफ, जो हजरत अली के हाथ का ही लिखा हुआ है, जो कि ऊंट की खाल पर लिखा गया था। तो वो मैं आज आपको यहाँ दिखलाने वाला हूँ, साथ के साथ 17वीं शताब्दी में वाल्मीकि रामायण का जो पर्शियन अनुवाद किया गया था वो भी इस लाइब्रेरी में यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये सब चीजें मैं आपको यहाँ दिखलाने वाला हूँ। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये व्लॉग। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये व्लॉग। तो भाई ये आप देख रहे हैं, ये है मेन एंट्री गेट रामपुर के किले के अंदर जाने का, और किले के अंदर बनी हुई है रजा लाइब्रेरी। तो इस मेन गेट से चलते हैं। तो भाई ये है यहाँ से किले का मेन एंट्री गेट, और यहाँ से ये आप देख सकते हैं सबसे पहले ये रजा लाइब्रेरी, ये आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये है रजा लाइब्रेरी। इसमें जो मीनारे अगर आप देखेंगे, मीनारों में सबसे ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो टेंपल का डिज़ाइन दिया हुआ है, उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो गुरुद्वारों का डिज़ाइन दिया हुआ है, उसके नीचे चर्च का डिज़ाइन दिया हुआ है, सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो मस्जिद का डिज़ाइन दिया हुआ है, जो कि मेंशन करता है हर धर्म के प्रति सब कुछ एकदम सिमिलर माना जाता है सबको, इसीलिए इस तरह की डिज़ाइनिंग इसमें दी हुई है। यहाँ ये आप देखेंगे तो इसको कहा जाता है मुगल गार्डन। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है मुगल गार्डन, और यहाँ से आप देखिए बेहद ही खूबसूरत लुक इस लाइब्रेरी का, जिसे कहा जाता है रजा लाइब्रेरी। ये है वो गेट जहाँ से हम एंटर किया था इस किले में, यानी कि रामपुर का जो किला जिसे कहा जाता है, इसमें एंटर करने के लिए ये मेन गेट है। यहाँ से होते हुए हम आते हैं और वहाँ से हमारी एंट्री हो जाती है, और सामने हमें यहाँ से देखने के लिए मिलती है ये रजा लाइब्रेरी। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, चार इसमें मीनार हैं, ये जिनकी डिटेल मैंने आपको बतलाई, और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ ये मेहराबदार, ये एक बड़ी ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप। तो गाइस ये है रजा लाइब्रेरी। तो गाइस मैं आज आपको दिखलाने वाला हूँ रजा लाइब्रेरी। फिलहाल हम चलने वाले हैं इसके अंदर, और अंदर चलकर भी मैं इसको दिखलाने वाला हूँ। तो गाइस देख लीजिए एक बार बेहद पास से, जो मैंने आपको दिखलाया था, जैसा कि सबसे ऊपर मंदिर का है स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसके नीचे गुरुद्वारे का है, उसके नीचे चर्च का आप देख सकते हैं, और सबसे नीचे मस्जिद का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी ये आप देख सकते हैं, ये फुल रजा लाइब्रेरी, ये है ये मुगल गार्डन, और हम चल रहे हैं यहाँ से ऊपर की तरफ। ये देखिए कितनी खूबसूरत ये लाइब्रेरी, अभी हम चल रहे हैं इसके अंदर। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी डिजाइनिंग शानदार, झूमर लगा हुआ है, ये आप देखेंगे इसके दोनों तरफ जो है सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, ये लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी सीढ़ी जो है बनी हुई है, लेकिन क्योंकि आम पब्लिक के लिए अलाउड नहीं है ऊपर जाना। और अभी हम चल रहे हैं यहाँ से अंदर की तरफ, तो ये आप देखेंगे एक अजीब एक मतलब बेहतरीन फीलिंग यहाँ आती है अंदर जब हम चलते हैं, तो जैसे किसी 5-स्टार होटल में या किसी महल में हम जा रहे हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा हमें यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है, ये आप देख लीजिए।
जबरदस्त, मतलब मजा आ गया अंदर जाके। तो गाइस आप देख रहे होंगे ये लाइब्रेरी किसी महल से कम नहीं है। ये देखिए अभी हम अंदर चल रहे हैं और यहाँ आप देखिए क्या नज़ारा हमें देखने के लिए मिलता है। ये आप देखिए इसकी छत आप देखेंगे तो भाई साहब मज़ा ही आने वाला है। झूमर लगा हुआ है ऊपर और ये आज भी ये उसी टाइम का झूमर लगा हुआ है लेकिन आज भी ये वर्किंग है। अभी मैं आपको दिखलाने वाला हूँ हजरत रजी अल्लाह ताला के हाथ का लिखा हुआ कुरान शरीफ जो कि ऊँट की खाल पर लिखा हुआ है। ये आप यहाँ देख सकते हैं जो कि 7वीं सेंचुरी का ये कुरान शरीफ है। ये आप देख सकते हैं ये ऊँट की खाल पर लिखा हुआ है। ये मैं आपको बेहद पास से दिखला देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसको जो है अभी ये इसकी ऊँट की खाल पर है लेकिन इसको जो है मेंटेन अच्छे से किया गया है। ये आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको एक और खास चीज देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ अगर आप मैं दिखलाऊं आपको तो ये आप देखेंगे ये वाल्मीकि रामायण का पर्शियन अनुवाद यहाँ पर किया हुआ है। ये आप देख लेंगे ये जो है 17वीं शताब्दी में इसको किया गया था। ये आप देख सकते हैं 17वीं शताब्दी में वाल्मीकि रामायण का ये पर्शियन अनुवाद ये आप यहाँ देख सकते हैं जब आप यहाँ पर आएंगे। वैसे इधर की तरफ मैं अगर आपको दिखलाऊं तो यहाँ पर जिन्होंने रामपुर शहर को बसाया था नवाब फैजुल्ला खान, ये लेफ्ट साइड में देखेंगे ये उनकी फ़ोटो लगी हुई है। राइट साइड में देखेंगे तो नवाब हामिद अली खान और बीच में नवाब रज़ा अली खान जिनके नाम पर ये लाइब्रेरी बनी हुई है, इनके फ़ोटोज़ यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हैं जैसे कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई ये पेंटिंग्स उस टाइम की हैं ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ ये आप जो है अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर आकर। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको उस दौर में यूज़ होने वाले हथियार जैसे चाकू खंजर वगैरह ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो ये काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है और यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें ये आप देख लीजिए ये उस दौरान के यूज़ होने वाले ये इनके हथियार क्या क्या हथियार उस टाइम पर यूज़ होते थे तो इन सब चीज़ों को लाइब्रेरी में यहाँ पर रख दिया गया है। जो भी विजिटर्स यहाँ पर आते हैं इसको आकर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत ये स्टैचू ये यहाँ पे लगा हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं उस दौर में यूज़ होने वाले बर्तन किस तरह के बर्तन जो नवाब लोग थे वो यूज़ किया करते थे ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो भाई ये है रज़ा लाइब्रेरी थोड़ा यहाँ पर
कम आवाज़ में ही बात की जा सकती है, क्योंकि यह लाइब्रेरी है। इसकी हिस्ट्री मैं आपको बाहर चलकर बतलाने वाला हूँ। यह गैलरी में आप देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टैचूज आपको लगे हुए मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, आप देख सकते हैं ये लाइब्रेरी काफ़ी खूबसूरती से बनी हुई है। फिलहाल हम चल रहे हैं बाहर की तरफ। अभी मैं आ गया हूँ रज़ा लाइब्रेरी से बाहर। अगर मैं इसके इतिहास की बात करूँ तो इसको जब फैजुल्ला खान जो नवाब थे 1774 में शुरुआत हुई थी नवाबी परिवार की यहाँ पर, तो उन्होंने उसी टाइम पर इसकी नींव रख दी थी और बुक्स का कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हामिद अली खान का भी रोल है, उन्होंने भी जो है बुक्स वगैरह कंट्रीब्यूट करनी, मतलब यहाँ पर इकट्ठी करनी स्टार्ट कर दी थी। और उनके बाद यहाँ पर जो लास्ट नवाब थे रज़ा अली खान, जिनके नाम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नाम दिया था रज़ा लाइब्रेरी, उन्हीं के नाम पर ये लाइब्रेरी बनी हुई है। तो गाइस ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश आपको ये खास जगह, ये इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी दिखलाने की। तो होपफुली ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।